students, today we will study maths of standard 7, chapter number 2, fraction and decimals. First question hum last video mein kar chuke hain. Now we do second question. Second question is, arrange the following in descending order. Descending order mein solve karne ke liye, first humko kya karna padega? Denominator same karna padega. Ab denominator same karna hai, iske liye first LCM find kar lenge. 9, 3 एंड 21 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए. तो यहाँ पर 3, 3 जा 9, 3, 7 जा 21, 3, 1 जा 3 एंड 7, देन 7, 1 जा 7, 7, 3 जा 21 एंड 21, 3 जा 63. तो यहाँ पर एलसीएम हमारा क्या हुआ? एलसीएम इज 63. इट मीन्स हमको डिनोमिनेटर में 63 चाहिए. तो यहाँ पर 9 के टेबल में 63 कितने टाइम आता है? 7 टाइम. सेम उसी टाइप से 3 के टेबल में 63 कितने टाइम्स आएगा? तो हम इसको ये आ जाएगा 21 टाइम. देन हमारे पास है, ये हम यहाँ से रख कर देंगे, तीसरा नंबर है हमारे पास 8/21. इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा. देन ये नंबर हमारे पास हो गया 7 2 14, 9 7 63, 20 2 1 2 and 2 4 2 2 4, 63. देन 8 3 24 एंड 63. अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि कौन सा नंबर पहले होगा. डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर इट मीन्स फर्स्ट बिगर नंबर, देन स्मॉलर, देन स्मॉलर. तो सबसे फर्स्ट है 42/63, then 24/63, then 14/63. तो इसको हमने descending order में लिया. अब इसको हम जो ये number थे हमारे उस टाइप से, अब 42/63 कौन सा था? 2/3. 24/63 कौन सा था? 8/21. एंड ये कौन सा था? 2/9. तो ये हमारा descending order हुआ, ये हमने डिसेंडिंग में रखा. सेम इसी टाइप से ये वाला सम हम करेंगे. यहाँ पर भी पहले 5, 7 and 10 का हमको एलसीएम फाइंड कर लेंगे. तो ये हो जाएगा 5, 7, 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 7. तो 7 5 जा 35 एंड 35 2 जा 70. सो एलसीएम इज 70. तो हमको पता चल गया है कि हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 70. तो फर्स्ट हम 5 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा. तो हमको यहाँ पर 5 में डिवीजन करके देख लेना चाहिए. 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20. अब यहाँ पर 14 की आइटमेंट यहाँ पे भी 14 होगा. देन 7 10 जा 70, यहाँ पे भी 10 किया. सेम यही प्रोसेस हमको यहाँ करनी है. 7 10 7 जा 70. देन ये हो गया 14 1 जा 14 17 30 70 एंड 7 7 जा 49 एंड 70. अब इसको हमको डिनोमिनेटर डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देना है. तो सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे स्मॉलर. देन हमको ये जो क्वेश्चन था हमारा इस फॉर्म में लिख देंगे हम. 49/70 कितना था? 7/10. देन 30/70 क्या था हमारा? 3/7. एंड 14/70 था 1/5. दिस इज आर डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 इज थर्ड नंबर क्वेश्चन इज बहुत सारे, उसमें आपको एडिशन ही करनी, इसलिए वो मैं नहीं बता रही हूँ. अब मैं डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 बता रही हूँ. A rectangular sheet of paper is 12 integer 1 by 2 cm long and 10 integer 2 by 3 cm wide. Find its perimeter. First, rectangular का हमको perimeter find करना है. Perimeter आप previous classes में study कर चुके हो. तो यहाँ पर length, long, it means कितना हुआ? ये हुआ 12 by, तो इसको हम simple इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 25/2. अब ब्रॉड कितना है यहाँ पर? वाइड कितना है? 10 2/3.
थ्री, तो ये हो जाएगा 32/3। अब यहाँ पर ये जो इस रेक्टेंगुलर है तो इसका ये वाला पार्ट भी सेम होगा और यहाँ पर ये भी यही होगा, है ना। हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब पहले में क्या क्या होता है, हम चारों साइड को प्लस करते हैं। नॉर्मल आप चारों साइड को प्लस कर लो या फिर फॉर्मूले के थ्रू कर लो। अगर आप फॉर्मूले के थ्रू करते हैं, रेक्टेंगुलर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 × L + B। तो यहाँ पर 2, L कितना है 12/2 एंड B कितना है 10 वाला, तो ये कितना हुआ 32/3। डायरेक्ट भी लिख दो या फिर आप ये क्वेश्चन के तो बाद में हम कर लेंगे 10। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × जैसा हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर ही रखा है प्लस 32/3। तो इसको हम यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे जैसे फ्रैक्शन के सम्स करे किए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पर हुआ 6, हमारे पास एलसीएम हो गया, सो 2 × 3 and 3 × 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 × 25 = 75, देन 3 × 2 = 6 प्लस 2 × 2 = 4 and 2 × 3 = 6, देन 3 × 2 = 6। अभी दोनों को यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर हो गया, प्लस कर देंगे 75 + 64, ये कितना हो जाएगा 9 और ये 13/6। अब यहाँ पे ये 6 को 2 के थ्रू कट कर सकते हैं हम, 2 × 3 = 6, तो 139/3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 1 रहा तो ये हो जाएगा 3 × 6 = 18, फिर से 1 बचा और ये 3। अब इसको मेथड को आपको याद होगी, इसको हम सिर्फ ओनली डिवीजन करके ही फाइंड करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार में आपको बता देती हूँ। ये इस टाइप से डिवीजन करते हैं, 3 × 6 = 18, 1 रहा, तो ये जो नंबर है वो यहाँ पर आता है, ये नीचे वाला ऊपर और ये यहाँ पर, तो ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। टिल देन थैंक यू।